जनादेश नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देखने की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले आधा घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की, जिसमें सबसे पहले इस वक्त नजर डाल लेते हैं मुख्य हेडलाइंस पर। बीस मई को 49 लोकसभा सीटों पर होने वाले पांचवें चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और चिराग पासवान समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। चौबीस की चुनौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और दिल्ली में भरेंगे हुंकार। हिमाचल में जेपी नड्डा और यूपी के झांसी, बांदा और अमेठी में अमित शाह संभालेंगे मोर्चा। राहुल गांधी यूपी के बाद दिल्ली के चांदनी चौक में करेंगे वोट की अपील। प्रियंका गांधी अमेठी में करेंगी रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई और सचिन पायलट ओडिशा में करेंगे प्रचार। मायावती, तेजस्वी यादव और केजरीवाल समेत बाकी दलों के स्टार प्रचारक भी मैदान में डटे। हरियाणा के नूह में दर्दनाक सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी हुई बस में लगी भीषण आग, 9 लोग जिंदा जले, 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलसे। कहीं लू तो कहीं बारिश, मौसम के तेवर ने ढाया कहर। करीब 47 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा आगरा। दिल्ली में भी टूटे रिकॉर्ड, केरल में जारी भारी बारिश के बीच ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका की तरफ से गजा भेजी गई मानवीय सहायता की पहली खेप। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। दूसरी तरफ इसराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी। उत्तरी गजा में 3 इजरायली बंधकों के मिले शव। और खेल की खबरों में थाईलैंड ओपन में भारतीय खिलाड़ियों की धूम। पुरुष युगल सेमीफाइनल में सात्विक शेट्टी और महिला युगल सेमीफाइनल में पहुंची तनिषा पोनप्पा की जोड़ी। तो ये थी सुबह की मुख्य हेडलाइंस और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई तमाम खबरों की। तो लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और पांचवें चरण के लिए मतदान सोमवार को यानी कि 20 मई को होना है। ऐसे में आज शाम करीब 5 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। बता दें कि पांचवें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 49 सीटों पर मतदान होना है। पांचवें चरण में शामिल हाई प्रोफाइल सीटों की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट, महाराष्ट्र में मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटें, बिहार की सीतामढ़ी, मधुबनी और हाजीपुर सीट, ओडिशा की बोलांगीर और कंधमाल, झारखंड की चतरा, कोडरमा और हजारीबाग, पश्चिम बंगाल की बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा और आरमबाग, जम्मू कश्मीर की बारामूला और लद्दाख लोकसभा सीट इसमें शामिल हैं। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार अभियान तेज गति से जारी है और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री दोपहर बाद 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज दोपहर हरियाणा के अंबाला में जनसभा करने के बाद प्रधानमंत्री सोनीपत में जनसभा करेंगे। अंबाला में प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। यहां कांग्रेस पार्टी से वरुण चौधरी और इंडियन नेशनल लोकदल से गुरप्रीत सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं सोनीपत में प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सोनीपत में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी से हो रहा है। और देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के इस सियासी समर में आज मेगा शो होने जा रहा है। दरअसल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक रैली को संबोधित करेंगे। यहां आपको बता दें कि मौजूदा सांसद मनोज तिवारी के पक्ष में पीएम की यह रैली होगी।
मनोज तिवारी के खिलाफ यहां से पहली बार कन्हैया कुमार गठबंधन के लिए चुनावी मैदान में है। मनोज तिवारी इससे पहले साल 2014 और 2019 में भी इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं और अब तीसरी बार भी इसी सीट पर अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में अमित शाह आज दो रैलियां और एक रोड शो करने वाले हैं। सबसे पहले अमित शाह झांसी में भाजपा के उम्मीदवार अनुराग शर्मा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बांदा में आर के सिंह पटेल के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। बांदा के बाद अमित शाह अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए रोड शो करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश में वो तीन रैलियां करेंगे। जेपी नड्डा सबसे पहले फतेहपुर के रेहन में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। फतेहपुर के बाद जेपी नड्डा चंबा से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शिमला संसदीय क्षेत्र के सोलन में चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। वहीं भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में चार जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। धुले, पालघर, मुंबई उत्तर और मुंबई मध्य लोकसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के अंतर्गत महाराष्ट्र की पांच लोकसभा सीटों पर आगामी 20 मई को मतदान होगा। तो ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वहीं विपक्ष भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एनडीए गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने भी पूरी ताकत इन दिनों झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की बात रखेंगे, तो वहीं राहुल गांधी इस प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। राहुल गांधी आज यूपी के बाराबंकी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के रामलीला मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। दिल्ली में छठे चरण में यानी कि 25 मई को मतदान होना है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी बिहार में एनडीए के खिलाफ प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज बिहार के मधुबनी और वैशाली में जनसभा को संबोधित कर एनडीए गठबंधन के लिए जनता से वोट मांगेंगे। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश के बस्ती में चुनावी रैली को संबोधित कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट की अपील करती हुई नजर आएंगी। मुंबई में केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की और इस दौरान लोग पीयूष गोयल के साथ तस्वीर लेते हुए भी नजर आए। तो उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मंत्री पीयूष गोयल अचानक ही मॉर्निंग वॉक पर निकले और इस दौरान तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है। तो आपको बता दें कि भाजपा उम्मीदवार भी हैं पीयूष गोयल, तो ऐसे में लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए और इस दौरान लोग सेल्फी लेते हुए और उनकी साथ में तस्वीर लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा की सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने ओडिशा में 17 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। साथ ही विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करके अपनी सरकार बनाने का वो दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के तहत 20 मई को सुंदरगढ़ लोकसभा में चुनाव होना है। डीडी न्यूज संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने जुएल ओराम से खास बातचीत की है। जुएल ओराम ने क्या कुछ कहा इस खास बातचीत में, वो आइए सुनते हैं। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुंदरगढ़ के प्रत्याशी जुएल ओराम साहब हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। उड़ीसा में लोकसभा की सीटों की बात करें तो 2014 में 31 सीट सुंदरगढ़ थी जिसको आप जीते थे। 2019 में 8 सीटें आईं लोकसभा की। 2024 लोकसभा चल रहा है, विधानसभा भी है इसके साथ साथ, क्या कहना चाहते हैं कि इस बार क्या रहेगा परिणाम? हम 15 से ऊपर सीट जीत सकते हैं, जीतेंगे ऐसा लगता है। वैसे तो 21 सीट में हम लोग फाइट में हैं और पता नहीं, जनता जनार्दन अगर चाहेगा तो 21 से 21 भी जीत सकता है, लेकिन 14-15 तो निश्चित जीतेगा ऐसा मेरे को लगता है। विधानसभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार बनाएंगे, हमारा बहुमत आएगा। आज तो
हमारे गृह मंत्री जी बोले हैं कि हम 75 करीब का विधानसभा में हम जीत रहे हैं और हम उसका निश्चित जीत तय हो गया है। एक सवाल ये भी है कि उड़ीसा में जो प्रमुख मुद्दे हैं उसके बारे में आपसे पूछूंगा कि प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं जिसको लेकर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत समस्या है। एक तो पलायन समस्या है, तो यहाँ रोजगार नहीं है। आपका नौकरी में नहीं बोल रहा हूँ, रोजगार, आपका गवर्नमेंट जॉब या कोई प्लांट में, ये सब तो नौकरी है, लेकिन आपका यहाँ रोजगार नहीं है कोई। और इसी बीच चलिए सीधा रुक कर ले इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ अब एक और नया सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आया है। स्वाति मालीवाल का ये नया वीडियो है जिसमें स्वाति मालीवाल का को हाथ पकड़कर एक महिला पुलिसकर्मी बाहर ले जाती हुई नजर आ रही है। ये एक नया वीडियो सामने आया, हालांकि इससे पहले भी और कई वीडियो सामने आ चुके हैं स्वाति मालीवाल के सीएम आवास के अंदर के। हालांकि उस वीडियो को लेकर के स्वाति मालीवाल का सीधे तौर पर यह कहना है कि नहीं, वो वीडियो से भी छेड़छाड़ की गई है। फिलहाल अब एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें महिला पुलिसकर्मी स्वाति मालीवाल का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। और इसी बीच और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोग गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं। गिरीश, क्या कुछ ताजा अपडेट है? एक के बाद एक नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले कुछ वीडियो आए, अब फिर आज एक नया वीडियो सामने आया है। और ये वीडियो 6 फ्लैग स्टाफ रोड यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के भीतर का है। और ये अलग अलग सीसीटीवी कैमरास हैं जिसके अंदर ये वीडियो सामने आया है। और इसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एक महिला पुलिसकर्मी जो है वो स्वाति मालीवाल को हाथ पकड़कर बाहर लेके जा रही हैं। और आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे आखिर के अंदर जो स्वाति मालीवाल हैं वो इशारा कर रही हैं कि उनके सर में चोट लगी है और सर की तरफ वो उन्होंने इशारा किया है। तो देखिए, लगातार जिस तरह वीडियो आ रहे हैं, और एक और फिर नया वीडियो आया है जिसमें स्पष्ट हो गया कि किस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई और उसके बाद उनको महिला पुलिसकर्मी जो द्वारा है उनको बाहर निकाला गया। लगातार ये कई कैमरों का सीसीटीवी कैमरों का वीडियो है, इसमें स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ अंदर व्यवहार किया गया होगा। और उसी व्यवहार के आधार पर देख सकते हैं किस तरह से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में स्वाति मालीवाल इशारा कर रही हैं कि उनके सिर में कोई चोट लगी है। तो स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के भीतर। देखिए, कई तरीके के वीडियो जो है वो माफ कीजिए, कई तरीके के सवाल इस वीडियो के जरिए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिसमें एक राज्यसभा सांसद है वो ऊपर से महिला, तो ऐसे में इस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया, उनको पकड़ करके बाहर ले जाना, कहीं ना कहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद में और कई सारे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर लगातार चल रहा है। जिस तरीके स्वाति मालीवाल कह रही है कि कई वीडियो जो सामने आए इससे पहले उनके साथ छेड़छाड़ भी की गई है। जी बिल्कुल, स्वाति मालीवाल का कहना है कि जो पहले वीडियो आए हैं उन वीडियो के अंदर कुछ छेड़छाड़ की गई है, जो सत्यता है वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दी गई है। हालांकि दिल्ली के अंदर सवाल ये भी कृतिका उठ रहे हैं कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी, महिला सुरक्षा की बात करती थी, उनकी ही राज्यसभा सांसद यानी कि उनके ही नेता के साथ इस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के अंदर इस तरह की एक घटना हुई है जो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के शर्मसार करती है। लोग काफी अपने आप को अपमानजनक महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय आम आदमी पार्टी इस सवालों के घेरे में खड़ी हुई है कि किस तरह से जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, आज उनकी महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं और उन्होंने महिलाओं की लड़ाई खुद लड़ी है। और आज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि किस तरह से उनको पुलिस के अंदर जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ा, क्या वो सदमे में थी, किस तरह से थी। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने इसमें विभव कुमार को सम्मन जारी किया, हालांकि वो पहुंचे नहीं। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने फिर से उनको सम्मन भेजा हुआ है और आज उनको पेश होने के लिए बोला हुआ है। हालांकि उनके परिवार वालों ने वो सम्मन ग्रहण नहीं किया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से ये नोटिस गया था उसको बाहर उनके बाहर चस्पा दिया गया था।
तो जिस तरह से सवालों के घेरे में लगातार आम आदमी पार्टी बनी हुई है, आप देख सकते हैं स्वाति मालीवाल का एक वीडियो फिर से आया है, उनको किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि वो राज्यसभा की सांसद हैं, गरिमामयी पद पर हैं और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा सवाल के घेरे में खड़े हो गई है आम आदमी पार्टी इस समय। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है और इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रही है और इसीलिए इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, एक आपने देखा होगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया है, एक साक्षात्कार के अंदर उन्होंने साफ कहा है कि हमारा कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल से नहीं मिला है। ये सब अफवाहें उड़ाई जा रही हैं क्योंकि इस समय इलेक्शन का दौर चल रहा है, ऐसे के अंदर इलेक्शन के अंदर जो है कई बातें उड़ाई जाती हैं। लेकिन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की कोई भी हमारी तरफ से पहल नहीं की गई है, ना ही हमारा कोई कार्यकर्ता मिला है, ना ही हमारा कोई नेता उनसे मिला है। ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जो है अफवाह उड़ा रही है कि भाजपा उनको कहीं ना कहीं सह दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार हुआ है उसको लेकर बहुत सारे सवाल आम आदमी पार्टी पर खुद खड़े हो गए हैं। अब आम आदमी पार्टी पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई खास सफाई अभी तक नहीं दी गई है। देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई इस पर सफाई नहीं दी गई है क्योंकि इस समय इलेक्शन का दौर है, चुनाव का दौर है, ऐसे में वो कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह से कहीं ना कहीं उनके पाले में बॉल चली जाए। लेकिन इस समय जिस तरह से माहौल दिल्ली के अंदर चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास पर भी एक वो बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि लोग इस पर विश्वास कितना करें, क्योंकि जो महिला सुरक्षा की बात कर रही थी पार्टी, आज क्या वाकई में उस पार्टी के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। महिलाएं सुरक्षित कैसे हो पाएंगी जब एक राज्यसभा सांसद ही अगर सुरक्षित नहीं है, उसके साथ में अगर इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, तो जो दिल्ली की आम जनता है, जो आम महिलाएं हैं, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? गिरीश, इसी का सवाल बना हुआ है पूरी दिल्ली के अंदर। हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो रहा है। आम आदमी पार्टी जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें करती थी, महिला सुरक्षाओं की बात करती थी, उनकी ही अपनी ही राज्यसभा सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, इस तरह की घटना होती है, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। क्योंकि जिस तरह से लगातार आपने देखा पीछे, वो जब उनके घर में जाती हैं मुख्यमंत्री के निवास के अंदर, जिन्होंने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी हैं, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनकी आवाज उठाती रही हैं, और आज वो खुद ही कहीं ना कहीं इस घटना का शिकार हुई हैं, तो बहुत सारे सवाल इसने जरूर खड़े कर दिए हैं। सवाल कई सारे खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही अब आप अगर एक एक घटनाक्रम पर अगर हम नजर डालते हैं तो स्वाति मालीवाल सीएम आवास पहुंचती हैं, वहां पर कुछ आपसी व्यवहार और मतभेद कहीं ना कहीं सामने आते हैं जो पिछली वीडियो में हमने देखे हैं, उसके बाद में वो पुलिस को कॉल करती हैं, फिर वहां से उनको जबरदस्ती सीएम आवास के बाहर पहुंचाया जाता है, जिसके बाद से लगातार अगर देखा जाए तो स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के जो आपसी संबंध है उनमें भी दूरियां देखने को मिल रही है, क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जिस तरीके से तंज कसा आम आदमी पार्टी को लेकर के, और आम आदमी पार्टी की जो फोटो थी, अरविंद केजरीवाल की जो फोटो थी, उसे भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्वाति मालीवाल हटा चुकी हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने अपने जो एक्स अकाउंट है उससे पूरी तरह से जो अरविंद केजरीवाल की एक फोटो लगी हुई थी जेल के अंदर वाली, उसको हटा दिया है। आप उसको देखेंगे तो उनके जो अकाउंट के ऊपर से आम आदमी पार्टी के बारे में भी हटा दिया गया है कि वो आम आदमी पार्टी के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट जरूर दिखाया है उसके अंदर, राज्यसभा सांसद दिखाया है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक तरह से कहें कि इस समय उनके अंदर भी बहुत गुस्सा भरा हुआ है स्वाति मालीवाल के अंदर, क्योंकि जिस तरह से, हालांकि जब उनके साथ ये घटना हुई तो उन्होंने कॉल जरूर की थी पुलिस को 112 के ऊपर, और उसके बाद वो सिविल लाइन थाने भी पहुंची थी, लेकिन उन्होंने कहा शिकायत वो बाहर दर्ज कराएंगी, तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से वो सदमे में थी। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः इस पर संज्ञान लिया और जिस तरह से विभव कुमार को समन भेजा, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आशा जगी, क्योंकि वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी, तो उनको उम्मीद जगी कि राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उनका साथ कहीं ना कहीं खड़ा होते हुए नजर आ रही है, तो उनकी हिम्मत जुटी और उसके बाद उन्होंने इस मामले में FIR भी दर्ज कराई। हालांकि इसके लिए
दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारी उनके घर पहुंच के उनकी पूरी जानकारी ली थी इस मामले की, और विभव कुमार को ढूंढा भी जा रहा था, लेकिन विभव कुमार अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं पहुंचे हैं, हालांकि उनको दो सम्मन मिल चुके हैं अब तक। लेकिन जब शिकायत की गई स्वाति मालीवाल की तरफ से, तो उसके बदले में कहीं ना कहीं विभव कुमार की भी तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई गई है स्वाति मालीवाल को लेकर, क्योंकि वो जबरदस्ती सीएम आवास पर पहुंची थी। देखिए ये क्योंकि पूरे मैंने आपको पहले बताया इस समय चुनाव का माहौल है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इस मामले में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो लखनऊ में जाते हैं, विभव कुमार उनके साथ जाते हैं, उनके करीबी हैं। जब वहां पर मीडिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल किया कि स्वाति मालीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने अपना जो माइक है वो अखिलेश यादव की तरफ आगे बढ़ा दिया था, और उसके बाद ना तो केजरीवाल ने अपना कोई जवाब दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, उनके बदले अखिलेश यादव जवाब देते हैं कि इस मामले के अलावा भी बहुत कुछ बाकी है, इस तरह से बातें वो पूरी तरह से मोड़ गए थे। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, और इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, जिस तरीके से एक के बाद एक वीडियो सामने है, फिलहाल आपका शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा जाए तो एक के बाद एक नए नए सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो गुत्थी है वो और उलझती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के साथ में स्वाति मालीवाल के जो संबंध है वो जिस तरीके से खराब हो रहे हैं, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के टच में है, क्या ऐसा है? हालांकि इस पूरे मामले की जांच की भी बात कही जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।